दोस्तों आज की कहानी है बहू तुमने घर का नियम कब तोड़ा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। कनिका शर्मा परिवार की पटीली की समझदार बहू थी। ऐसी तो सर्वगुण संपन्न थी पर अपने मन की बात कह नहीं कह पाई थी। सास ससुर देवर ननन पति सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती, हर रिश्ते को बखूबी निभाती। अरे रीमा साई चढ़ा दी क्या, बाबूजी आती होंगे। कनिका सांझ की आरती कर एक दीपक तुलसी पर भी रख देना। रीता ने बेटी बहू को निर्देश दे दिए। जय और विजय पिता के साथ दुकान में आ गए। रीमा ने पिता को साई दे दी। दोनों भाई हाथ मुंह धोने सरे गए। आलोक शर्मा जी का सुखी और संयुक्त परिवार, भाभी आप खाना लगा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। रीमा ने दरी बिछा दी। दोनों भाई माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गए। कनिका गरम गरम रोटी उतारती जा रही, रीमा सबको परोसती रही। भाभी के हाथ के स्वाद के तो क्या कहने, मेरी पसंद की पनीर, भुर्जी भैया का पसंद, दीदा रायता, बाबूजी का सूजी का हलवा, रीमा की फेवरेट खस्ता पूरी, विजय अंगुली सारता हुआ बोल रहा। साग साग अन्नपूर्णा है मेरी बहु, ससुर जी सुर में सुर मिलाए, सबको इतना खुशी से खाता देख सरिता और जय भी प्रशंसित हो जाते। इतनी तारीफ सुनने के बाद तो कनिका के काम की सारी थकावट पल में उड़न सहु हो जाती। अपने इस छोटे से संचार में कनिका इतना रम गई थी कि वो सबको खुश रखते रखते खुद की पसंद नापसंदी भूल बैठी थी। कनिका ही नहीं ज्यादातर घरेलू औरतें ऐसा ही करती हैं। दो मीठे प्यार के दो बोल सुनने को वो पूरा दिन लगी रहती है। सबके चेहरे की मुस्कुराहट को ही अपनी गाड़ी कमाई मानकर खुश हो जाती है। इन्हीं सब में कहीं ना कहीं वो इतना खो जाती है अपना अस्तित्व ही भूल जाती हैं। रीमा जानती थी भाभी को बेकिंग और कुकिंग का शौक है। उसने कई बार भाभी का मन टटोलने की कोशिश की। शर्मा परिवार में औरता का काम करना माना गलत जाता था और कनिका अपने ससुराल के माहौल के हिसाब से ढल गई थी। लेकिन जय अपनी पत्नी को समझाता था, वो जानता था कि ये अपनी मुंह से कुछ नहीं कहेगी तो वो दुकान का बहाना कर कनिका को होममेड चॉकलेट के ऑर्डर लाकर देता। कनिका दिन में सबके सुस्ताने के समय पर वो चॉकलेट बनाती, रात को कमरे में सबके से उनकी सुंदर सी पैकिंग कर देती। जे अपनी दुकान पर भी चॉकलेट रखता तो पकड़े जाने पर पति पत्नी बहाना कर देते। जन्मदिन सालगिरह त्यौहार के अलावा वैलेंटाइन पर उसका बीज ने ज्यादा चलता, लेकिन घर में किसी को पता ना चले तो वो ज्यादा ऑर्डर नहीं ले पाती। घर में पति पत्नी के अलावा कोई ये बात नहीं जानता था। छोटी सी कमाई भी कनिका को बहुत सुकून देती। हाथ में अगर पैसा खुद का कमाया हो तो खुशी अलग ही होती है। साल के 20 से 25 हजार उसके खाते में जमा हो जाती, जिसे कनिका मायके से मिले नेक और बसत का नाम दे देती। घर का सारा खर्च सरिता और आलोक जी चलाते। बेटी बहू को शॉपिंग के लिए पैसे उन्हीं से लेने होते थे और खर्च का सारा हिसाब घर आकर देना होता था। यही नियम बेटों पर भी लागू होता था। कनिका मध्य वर्गीय परिवार से थी, विधवा माँ थी जो पूरी तरह से बेटों बहू पर आश्रित थी। कनिका का मायके जाना हुआ अचानक माँ के पेट में दर्द होने से वो उन्हें अस्पताल ले गई।
वहाँ पता चला तुरंत ऑपरेशन करना होगा। कनिका ने भाइयों से बात करी तो वो बोले पेन किलर का इंजेक्शन लगवा दो, अब इस उम्र में क्या ऑपरेशन करवाना। भाइयों से उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसने जय को अस्पताल बुलवाया, दोनों पति पत्नी ने माँ का ऑपरेशन करवा दिया। माँ को घर पहुँचा कर कनिका ने भाई भाभियों को शर्मिंदा किया। माँ मेरी भी है जो इनकी सेवा में रभी फर्ज है, ऑपरेशन का खर्च मैंने भर दिया, लेकिन अब इनकी सेवा में लापरवाही हुई तो मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगी। भाई भाभी पसीना पसीना हो गए। कनिका अपने कमाए पैसों का ऐसा सदुपयोग देख बहुत खुश थी। आज अपना पैसा अपनी माँ के इलाज में खर्च करो से अजीब सा सुकून मिल रहा था, लेकिन ये खुशी सद लम्हों की थी। ससुराल पहुंची सबकी निगाह जय और कनिका पर थी। सरिता और आलोक जी ने समधन जी की तबीयत से पहले अस्पताल के खर्चे के बारे में पूछा। ये क्या सुन रहे बहू, तुम्हारी माँ का इलाज तुमने अपने पैसे से करवाया, हमारे घर का नियम तुमने कब तोड़ा, अपनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई। कनिका दर्द आँखों में अब और ना सिमट सका, आँखों बहन गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ बहू जी, मैंने आपको तकलीफ पहुँचने के लिए पैसा नहीं किया। आज मेरी माँ मेरी आँखों के आगे दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मेरी इस आत्मनिर्भरता की वजह से मुझे मेरे भाइयों या ससुराल वालों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मुझे पता है इस मुश्किल घड़ी में आप मेरी मदद जरूर करते, लेकिन बाबूजी मुझे जो खुशी मिल रही उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कनिका ने बाबूजी के पैर छू लिए। उठो बहू, तुमने मुझे मेरा गुजरा जमाना याद दिला दिया। मेरे पिताजी भी बीमार थे, मैं छोटा था। हफ्ता भर एक होटल में बर्तन साफ करके उनकी दवाई का पैसा जोड़ा। सासा से पैसे न मांग कर अपने कमाए पैसे से जब पिताजी की दवा लाया तो अजीब सा सुकून मिला था। उस जमाने में तो सिर्फ बेटी कमाती थी, वही माँ बाप की सेवा करते थे, लेकिन अब बेटा बेटी बराबर है तो उनके फर्ज भी समान है, तो कमाने का अधिकार भी दोनों को है। अब पुराने नियमों को बदलने के समय आ गया है। अब कनिका ने सास और ननन की मदद से अपना होममेड चॉकलेट का बिजनेस बढ़ा लिया। उसने बड़े ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। सास का 20,000 से आमदनी ने 1,00,000 तक पहुंच गई। दोस्तों जब एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, और जब एक औरत आत्मनिर्भर होती है तो पूरे परिवार का विकास करती है।